गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक हमने एनर्जी कैलकुलेशन देख लिया था, आपको ग्राफ्स होमवर्क मिले थे। तो आइए हम पहले उस ग्राफ्स के होमवर्क के सॉल्यूशन को डिस्कस कर ले, फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो देखते हैं, ये था आपका होमवर्क। गुड, आप अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे बस, किसमें काइनेटिक एनर्जी और जेड के बीच का ग्राफ। दिस विल बी पैराबोला, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी एंड जेड स्क्वायर का ग्राफ। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और बीच में ये थोड़ी दूर डॉट 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 रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड एन स्क्वायर, ओके? दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन एन स्क्वायर, दिस विल बी ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, जो कि यहाँ पे कुछ दूर तक ये क्या रहेगा, डॉट डॉट, सॉरी। समझ में आ गया होगा, ये था आपका होमवर्क, उम्मीद है आपको होमवर्क सही रहा होगा। आइए, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमें सीखने हैं, इनका एप्लीकेशन मुझे न्यूमेरिकल्स पार्ट में करना है, तो क्योंकि मुझे यूज करना है तो आपको बताना पड़ेगा, राइट? हाँ, मुझे पता है कि अगर हमें यूज करना है तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं, आप इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ देंगे, ये चीज़ें हम फिर वापस डिस्कस करेंगे कहाँ, चैप्टर थर्ड में, तो वहाँ थोड़ा सा और डिटेल में सीखेंगे, बट तब तक हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि जब हम इसको यूज करें तो आपको इसका मतलब पता रहे, राइट? तो देखिए, पहली हेडिंग है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है ये? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आप हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे, ठीक है? या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अब मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो देखिए, लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे करते 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 मुझे क्या मिलेगा लास्ट में, इन्फिनिटी सेल मिलेगा ना, क्लियर है? ये n इक्वल टू वन, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये इन्फिनिटी सेल, इसके ऊपर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे हम। देखिए, फर्स्ट सेल की एनर्जी को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, ई वन, सेकेंड सेल की एनर्जी को ई टू, थर्ड ई थ्री, फोर्थ ई फोर, एंड द लास्ट वन इज ई इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो। यहाँ तक सही है? चलिए, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान सोचिएगा, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इस फर्स्ट सेल में। अब मेरे पास कई ऑप्शंस हैं, मेरा टारगेट पहले समझ लीजिए कि टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से उठा के ना सेकेंड ना थर्ड ना फोर्थ इन्फिनिटी सेल तक लेके जाना है। टारगेट क्या है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से उठा के इन्फिनिटी सेल तक लेके जाना है। तो देखिए, मेरे पास उसके लिए दो ऑप्शन होंगे, पहले हम पहला ऑप्शन डिस्कस करेंगे और हम ये बताएंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी सेल तक लेके जाने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। साफ शब्दों में एकदम याद रखे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट सेल टू द इन्फिनिटी सेल, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से लास्ट सेल यानी कि इन्फिनिटी सेल तक लेके जाने के लिए जरूरी होती है। बात क्लियर है? चलिए, आइए हम इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देख ले, फिर हम सेकेंड वे को भी डिस्कस करेंगे। आपको पता है बोर्स पोस्टुलेट में ये भी था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से यानी कि लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल जंप करना चाहता है तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब। वही अगर वो हायर सेल से लोअर सेल में आना चाहे तो क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज। उन्होंने कहा था कि अगर आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है, चाहे वो अब्जॉर्ब के लिए हो या रिलीज के लिए हो, तो आप हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, हाँ वेरी गुड, क्या था, डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहाँ जाना है
उस सेल की एनर्जी माइनस मुझे जहां से जाना है उस सेल की एनर्जी। बताइए इस केस में आपको कहां जाना है, इन्फिनिटी पे, यानी कि ई इन्फिनिटी माइनस, कहां से जाना है मुझे, फर्स्ट सेल से, यानी कि ई वन। तो आपने इसको नए पेज पे लिख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। बताइए ई इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो, माइनस ई वन की वैल्यू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है तो इस वैल्यू को हम हटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो हमें क्या मिलेगा, 13.6 जेड स्क्वायर। ये किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पेसी के लिए ट्रू है, हाइड्रोजन एटम पे लगा सकते हैं, हीलियम आयन पे लगा सकते हैं, लिथियम आयन पे लगा सकते हैं, साथ साथ बेरिलियम आयन पे भी लगा सकते हैं। चेंज क्या होगा, ये जेड की वैल्यू। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा तो जेड की वैल्यू क्या रखूंगा, 1। अगर आप जेड की वैल्यू 1 रखें तो क्या बन जाएगा, 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, वो भी कितना होता है, 13.6 ही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करूं किसके लिए, हीलियम आयन के लिए, तो हीलियम आयन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 13.6, इसको सॉल्व कर लेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप लिथियम आयन के लिए यहाँ जेड की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई आपको, चलिए ये तो रही एक बात जो कि आपको सीखनी थी, क्या आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ई कैलकुलेट कर लीजिए आपको आपके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या जरूरी है हर बार मैं इतना लंबा चौड़ा करूं, बिल्कुल नहीं। आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ट्रिक क्या है, बस वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है। देखिए जब भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो अभी आपने देखा वो एनर्जी किसकी इक्वल आती है, 13.6 जेड स्क्वायर की इक्वल आती है, कितनी, 13.6 जेड स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बताइए E1 का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो उसको हटा सकते हैं, तो ये वैल्यू देखिए कितनी होगी, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट सेल के एनर्जी का ही पॉजिटिव वैल्यू होता है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, जो भी आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू अगर आप शॉर्ट वे में कैलकुलेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो उस सेल, उस फर्स्ट सेल की एनर्जी होगी उसी का पॉजिटिव पार्ट, यानी कि इसके अगर माइनस को हम हटा दें तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 13.6 जेड स्क्वायर जो इसकी इक्वल ही है मिलेगा ना। तो आप कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मॉड ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ एनर्जी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ E1। माइनस ऑफ E1 का मतलब E1 फर्स्ट सेल की एनर्जी नेगेटिव आएगी, उसमें माइनस को और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बात तो वही होगी, चाहे आप मॉड ले ले तो भी आपको 13.6 जेड स्क्वायर मिलेगा, और अगर आप माइनस कर दें तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि आप आयनाइजेशन एनर्जी को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सब भूल जाए ये याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो बोर्स पोस्टुलेट में था, अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो आपको निकालना होगा क्या, डेल्टा ई, और वो आप कैलकुलेट करना जानते हैं, कर सकते हैं, आसान था। चलिए ये तो रहा आयनाइजेशन एनर्जी, अब हमें इसी के साथ साथ दूसरी पॉइंट डिस्कस करनी थी। अब हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन को पहले मैंने एनर्जी दी, वो एनर्जी इतनी नहीं थी कि इसको यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जा सके, वो एनर्जी मान लीजिए कम थी और वो एनर्जी इतनी ही थी कि ये सिर्फ यहाँ फोर्थ सेल पे आके रुक जाए, अब इससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जा सकता। हो सकता है आपने जो एनर्जी दी हो वो कम रहा हो, तो बताइए अभी इसको और एनर्जी यहाँ से देना होगा ताकि यहाँ से वो यहाँ तक फिर पहुँच सके, क्योंकि फाइनली आपका टारगेट है
इसको फर्स्ट सेल से इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए। तो दो ऑप्शन हुए, पहला आपने डायरेक्ट इतनी एनर्जी दे दी कि फर्स्ट से इन्फिनिटी तक पहुंच गया, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब हो सकता है आपके माइंड में ये आया कि पहले हम कम एनर्जी देते हैं तो पता चला वो फोर्थ पे जाके रुक गया, फिर आप उसको एनर्जी देंगे ताकि वो फोर्थ से इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, यानी कि आपने दो बार उसको एनर्जी दी ना, एक बार जो एनर्जी दी वो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के लिए। ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट वैलेंस सेल, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम द फर्स्ट वैलेंस सेल टू अ गिवन सेल। हाँ, ये भी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट सेल बट टू इन्फिनिटी सेल। ये फर्स्ट सेल से लगातार लेके जाएगा और कहाँ रुकेगा, सीधे इन्फिनिटी पर। जबकि एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि स्टार्ट तो फर्स्ट सेल से ही होगी लेकिन आपको इन्फिनिटी तक लेके नहीं जाएगी। जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती है, जा सकती है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होती है और वो किसी भी गिवन सेल तक ही ले जाके आपको छोड़ देगी। एक बात तो आपने ये चीज़ समझ गई कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से किसी भी पर्टिकुलर सेल में 10th सेल, 15th सेल, 12th सेल या 6th सेल तक लेके जाना है तो जो एनर्जी देना होगा वो एनर्जी क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी। जबकि अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से इन्फिनिटी सेल तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी दूंगा उसे मैं क्या कहूँगा? आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपके माइंड में आया होगा, सर यहाँ तो आ गया, अब मुझे यहाँ से इसको इन्फिनिटी भेजना है तो क्या ये भी आयनाइजेशन एनर्जी होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो फर्स्ट से इन्फिनिटी तक लेके जाती है, जबकि ये तो फोर्थ से ही इन्फिनिटी जाना है। तो क्या एनर्जी फर्स्ट से इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जितनी चाहिए उतनी ही एनर्जी फोर्थ से भी इन्फिनिटी तक जाने के लिए चाहिए? कभी नहीं। यहाँ से रास्ता काफ़ी लंबा है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यहाँ से रास्ता कम है, एनर्जी कम चाहिए। यानी कि इस जो टर्म आएगा इसे हमें कोई नया नाम देना होगा और इसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग, या इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज सेपरेशन एनर्जी। हाँ, कन्फ्यूज ना हो, ये लास्ट टाइप का एनर्जी था जो आपको सीखना था। अभी हम आपको एक बार रिकैपिटुलेट कराएंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए, आपको अब तक तीन टर्म्स मिल चुके हैं, पहला आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा एक्साइटेशन एनर्जी, तीसरा जिसे बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी का। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट सेल टू इन्फिनिटी सेल। हाँ, ये फर्स्ट सेल से स्टार्ट करेगा और आपको इन्फिनिटी सेल तक लेके जाएगा, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। एक बात, दूसरी बात, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट सेल। ये भी आपको फर्स्ट सेल से ही लेके जाएगा, आपको मतलब इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जाता है। कई केस में आप ज़बरदस्ती करेंगे तो जा भी सकता है, तो उस केस में एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों इक्वल हो जाती हैं। हाँ, लेकिन इन जनरल ये किसी भी एक पर्टिकुलर टू अ पर्टिकुलर सेल, किसी एक पर्टिकुलर सेल तक ही लेके जाएगा इसे, यानी कि n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 10, ऐसे बीच में कहीं ले जाकर रोकना है तो उसके लिए जो एनर्जी आप देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। अब जो इम्पोर्टेंट बात बची है वो क्या है? दिस इज बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी, दोनों एक ही नाम है, एक ही वैल्यू आती है। इसका मतलब आप समझिए, आप दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन नॉट फ्रॉम द फर्स्ट सेल। हाँ, ये आपके इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से नहीं लेके जाता है, किसी भी पर्टिकुलर सेल से। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल है, वहां से आपको इन्फिनिटी भेजना है, या आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है वहां से इन्फिनिटी भेजना है, तो वो एनर्जी क्या होती है? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। तो हम इसको क्या लिखते हैं? फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सेल, किसी भी पर्टिकुलर सेल से लेकर कहां तक जाएगा ये? वेरी गुड, टू इन्फिनिटी सेल। इसका डेस्टिनेशन तय है कि लेके कहां तक जाएगा आपको? इन्फिनिटी तक, लेकिन ये तय नहीं है कि कहां से। अगर
आपको कोई बीच से लेके जाता है, यानी कि फर्स्ट सेल से नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक लेके जाएगा, यानी कि फर्स्ट से इन्फिनिटी, सो दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको कोई फर्स्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उठाया लेकिन बीच में ही कहीं ले जाकर छोड़ दिया, तो वो जो एनर्जी चाहिए थी दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। अब क्योंकि वो बीच में छोड़ा है और आप चाहते नहीं मुझे, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही है, तो आप क्या करेंगे, आप बीच से फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे कहां तक, डेस्टिनेशन यानी कि इन्फिनिटी तक, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए आपका घर है होम, और पॉइंट बी आपको मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, दिस इज योर टारगेट पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, चार बच्चों का ग्रुप बना, चारों ने स्टार्ट किया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जब रिजर्वेशन कराया गया तो तीन बच्चे की सीट रिजर्व हो गई पहली ट्रेन में, और वो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करती है और वो डायरेक्ट आपको आपके टारगेट पर ले जाकर छोड़ती है, ठीक है। तो तीन बच्चे तो डायरेक्ट पहुंच गए, इसके लिए जो उनको किराया देना पड़ा, हाँ, उसको हम क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन से कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी होगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर। अब देखिए एक बच्चा जो आपके ग्रुप का छूट गया था वो भी तो जाएगा, अब उसने क्या की, दूसरी ट्रेन ली, लेकिन वो ट्रेन डायरेक्ट आपको इन्फिनिटी तक लेके नहीं जाती है, वो बीच में कहीं रुकेगी। तो मान लीजिए उसने जर्नी स्टार्ट की, वो यहाँ पे आके रुक गया, इसके आगे वो ट्रेन जाती ही नहीं है थी, अब वो क्या करेगा, फिर ट्रेन चेंज करेगा और यहाँ से एक दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस से वो टारगेट तक पहुँचेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान लीजिए आपका किराया कितना था, 100 रुपये, क्या यहाँ से यहाँ का भी किराया 100 रुपये होगा, नहीं, कुछ कम होगा, मान लीजिए कितना है, 80 रुपीज, बताइए यहाँ से यहाँ का किराया कितना होगा, वेरी गुड, 20 रुपीज। तो आप हमें बताइए, अगर आप फर्स्ट से लेकर इन्फिनिटी तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, तो क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाले एनर्जी को भी आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने बीच में कहीं छोड़ दिया आपको, उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। अब जो आपको बीच से स्टार्ट करके टारगेट तक पहुंचाता है, गुड, उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। अभी समझ में आ गया होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्ट फर्स्ट सेल से इन्फिनिटी तक पहुंचता है तो जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, एक बात। दूसरी बात, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से किसी पर्टिकुलर सेल में ही जाके रुक गया तो जो एनर्जी आपने दी होगी दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी, जबकि जहाँ रुका है अगर उस सेल से उसको इन्फिनिटी तक जाने की जो एनर्जी आप वापस से देंगे उसे हम बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी कहते हैं, क्लियर है। अब एक चीज़ और बताइए, क्या टोटल किराया 100 था यहाँ पर, तो यहाँ भी 100 ही है क्या, 80 प्लस 20, यानी कि आप रास्ता बदल दिए, आप दो बार में पहुँच गए, आपका तरीका बदल गया, किराया तो उतना ही लगा, यानी कि आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, आयनाइजेशन एनर्जी, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने की एनर्जी यानी कि एक्साइटेशन एनर्जी प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने की एनर्जी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आप बस इसको कहीं नोट कर लेंगे, जरूरी होगा, आपको कभी कभार काम आ सकता है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे देगा, एक्साइटेशन एनर्जी दे देगा और आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेगा, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, कर सकते हैं, क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए, अब सवाल ये है कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करें, है ना सवाल, आइए हम इसको कैलकुलेट करना भी सिखा देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लिए आप, जब भी आपको एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो बताइए एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट सेल से लेके किसी पर्टिकुलर सेल तक जाने के लिए, तो यानी कि वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डेल्टा ई की हेल्प से। हाँ, इसके लिए कोई डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी की। आप बताइए वो बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है एन इज इक्वल टू 3 में थर्ड सेल में, और वो यहाँ से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा ना, तो आप इसके लिए डेल्टा ई कैलकुलेट करना चाहें तो पहली बात आप इसको भी डेल्टा ई लिख सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, काम आएगा ही आएगा, लेकिन इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी की एनर्जी तो फिक्स होती है,
तो देखिए अगर आप इसके लिए डेल्टा ही कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, जहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इन्फिनिटी। कहाँ से जाना है, मान लीजिए अगर थर्ड से जा रहे हैं तो E3 लिख देंगे। तो देखिए E इन्फिनिटी की वैल्यू 0 माइनस E3 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे क्या, अभी के 0 को हटा देंगे, आपको क्या मिल गया, माइनस ऑफ E3। यानी कि आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि सर अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेल से इन्फिनिटी तक जाना है तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ई एन का मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा, सेकेंड सेल से अगर इन्फिनिटी तक जाना है तो सेकेंड सेल की एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू ही क्या बन जाएगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी बन जाएगी। अगर वो फर्स्ट से स्टार्ट होती तो फर्स्ट सेल की इक्वल हो जाती और वो किसकी इक्वल आती है, आयनाइजेशन एनर्जी के। एक बार फिर से, बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी, अगर आपको यहाँ डाउट होता आप इस सब भूल जाए, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये हमेशा आपकी हेल्प करता रहेगा। लेकिन हाँ, आप ये अगर सीख लेते हैं तो आपके कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कर सकते हैं। चलिए आइए रिटेन डेफिनेशन आपको एक बार दिखा दें, ये पूरा प्रॉपर विजिबल है या नहीं, एक मिनट मुझे लेट मी चेक, आप थोड़ी देर वेट कर लें, अभी ठीक होगा। हाँ, थोड़ी सी ब्लर आ गया था इमेज, उसको सही कर दिया गया अभी। तो देखिए यही सारी चीज़ आपको दी गई हैं, डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है जो कि आपको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया है, तो बहुत सिंपल होगा, बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने क्या सीखा है, वेरी गुड, माइनस ऑफ E1, राइट। आप E1 की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 13.6Z², क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर आपने जेड की वैल्यू 1 रखा तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये जो यहाँ लिखा है आपको ये चीज़ मिल जाएगी। खैर वो कोई इशू नहीं है, आपको तो ये याद रखना है 13.6Z², क्योंकि चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम आयन हो, लिथियम आयन हो या बेरिलियम आयन, सबको आप यहाँ से जेड की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा बाइंडिंग एनर्जी, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, देख लीजिए क्या लिखा है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन एनर्जी सेल। हाँ, किसी भी गिवन एनर्जी सेल से, किसी भी पर्टिकुलर सेल से आपको इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन को चाहिए, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, या फिर आप इसी के साथ साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे सेपरेशन एनर्जी। हाँ, SEPARATION, सेपरेशन एनर्जी, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आती है, हम इक्वल ही मान के आगे चलेंगे। हाँ, नो डाउट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे इन दोनों को भी अलग अलग कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप दोनों को सेम ही मानकर आगे चलेंगे। इसमें एक चीज़ और दिया है, अगर आप, क्या होता है ना कि बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर सेल से इन्फिनिटी तक लेके जाती है, अगर कोई ये कह दे कि नहीं मुझे फर्स्ट सेल से इन्फिनिटी तक लेके जानी है तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल से इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी देंगे वो बाइंडिंग एनर्जी हुई, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, समझ में आ गया तो ठीक और नहीं आया तो भी ठीक, उसमें हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए एक्साइटेशन एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट सेल टू अ गिवन सेल। एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी होगी जो कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से किसी भी पर्टिकुलर सेल तक ले जाने के काम में आएगी, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी, कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और यहीं पर सीखना है, सीखना क्या आपको पहले से पता है, बस मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ, आपको याद है ये फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, हाँ ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड सेल भी बोलते हैं, मैंने कहा इसको ग्राउंड स्टेट। अब बताइए मैं इसको दूसरे किस नाम से जानता हूँ, वेरी गुड, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जब वो पहली बार एक्साइट होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहाँ मिलेगी, इसके ऊपर, यानी कि
आपको n इजकल टू टू पे क्या मिलेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इजकल टू थ्री पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इजकल टू फोर पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह अगर आपसे कभी कोई कह दे कि बताइए n इजकल टू सेवन पे कौन से एक्साइटेड स्टेट मिलेगी, तो आप बोलेंगे दैट विल बी सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। हाँ, एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू हमेशा नॉर्मल सेल की वैल्यू से छोटी होती है, और कितनी, वन छोटी होती है। यानी कि जब भी अगर आपको n की वैल्यू मान लीजिए 10 दे दी गई और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन से एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, देन यू विल बी सेइंग देयर दैट इट विल बी नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आपको देखना है कि वो कहाँ से जा रहा है, फर्स्ट सेल से टेंथ पे जाने के लिए कितनी बार एक्साइट होना होगा, 9 बार, सो दिस विल बी नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? या फिर कई बार आपको एक्साइटेड स्टेट दे देगा, कह देगा बताइए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए वैल्यू, तब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू खुद से बता सकते हैं कितना होगा, 3, 4 या 5। 3 नहीं, अभी तो एक्साइटेड स्टेट दिया है ना, हमेशा नंबर ऑफ सेल एक्साइटेड स्टेट से बड़ा होता है, कितना, प्लस 1, तो 4 है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। देखिए सिक्स एक्साइटेड स्टेट था तो n की वैल्यू कितनी थी, 7। नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट था तो 10 हो गया था n की वैल्यू। उसी तरह अगर आपको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट दिया गया तो n की वैल्यू आप क्या लेके चलेंगे, 5 लेके चलेंगे, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। और यही पैटर्न यूज होता है बाकी के लिए भी। तो चलिए ये सब तो हो गया, अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आइए, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियाई ऑफ देखिए द रेडियाई ऑफ टू बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए डिटेल्स दी गई हैं। तो क्या कह रहा है, जेड इज इक्वल टू 1, एक बात, ठीक है, और क्या दिया, देखिए रेडियाई ऑफ टू बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज इन द रेशियो 9:16, यानी कि मुझे R1/R2 इज गिवेन, दैट इज 9/16। और देखिए क्या दिया है, बस फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑर्बिट, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो दो एनर्जी सेल आएंगी, पहली बात तो आपको R1/R2 से आपको नंबर ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, किस सेल की बात हो रही है, नंबर ऑफ सेल निकाल लेंगे, फिर आप उनके बीच की डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि मेरा टारगेट बस ये है कि हम यहाँ से N1 और N2 की वैल्यू निकाल लें, फिर मेरा काम हो जाएगा। तो ठीक है, पहले अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्या होता है, दिस वन इज N1² (Z2)/N2² (Z1। नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, हम आपको सिखा रहे थे, फिर एक बार बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए अगर मैं इसको नैनोमीटर में लिखूं, तारेन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.0529 N² / Z nm। वहीं अगर मैं एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 0. ये जीरो हटा देंगे, 529 N² / Z एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। खैर हमें तो ये कांस्टेंट को हटाना है और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² / Z। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन में जेड की वैल्यू सेम है, हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है तो दोनों के लिए सेम है, तो आप चाहें तो जेड को भी कॉन्स्टेंट बना सकते हैं। अगर आप जेड को कॉन्स्टेंट बना दें तो फिर क्या मिलेगा आपको, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² और आप क्या लिखेंगे यहाँ से, R1/R2 इज इक्वल टू N1² / N2². एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका अगर आप मान लीजिए ये यूज करते हैं, आप नहीं मानते Z को भी कॉन्स्टेंट, तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या आएगी, N1² / N2², फिर आप देखेंगे Z नीचे है ना, तो Z को क्या लिखेंगे, Z2, ऊपर Z2 और नीचे Z1। तब चाहे इसको यूज करें या फिर इसको यूज करें, वैल्यू सेम आएगी, हम दोनों करके दिखाएंगे, पहले हम आपको ये करके दिखाते हैं। ठीक, तो आइए बताइए मैं R1/R2 को, अच्छा इस पे तो ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला, चलिए मैं इसी को पहले यूज कर लूँ, तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, 9/16 = बताइए N1 मुझे पता ही नहीं है, लिख लेंगे ऐसे ही, (Z2) जेड की वैल्यू कितना है, 1, चाहे वो Z1 के लिए लीजिए या Z2 के लिए, दोनों के लिए जेड की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, N2²
एन टू जेड वन की वैल्यू फिर से वन, वन से वन कैंसिल कर लीजिए या फिर हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मिलने वाला है वो बस वैल्यू इतनी आएगी, दैट इज 9/16 इज इक्वल टू n1² / n2² आएगा ना। अगर आप देखिए ये वैल्यू रखते r1/r2 का तो भी कितना आता, n1² / n2² देखिए, ये आपने जब वो वैल्यू रखी है तो भी यही आ गया ना। तब दोनों में से कोई यूज करे आपको सही रहेगा। हाँ, ये बात और है कि अगर आपने वहाँ पे कांस्टेंट को चेक करना शुरू कर दिया तो काम आपको थोड़ा और आसान हो जाता है, बट खैर कोई नहीं, आंसर तो दोनों से सेम ही आने हैं। ये देखिए स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में नहीं है, तो मुझे इसको स्क्वायर में बनाना होगा, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड 3² और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4² ये क्या बन जाएगा n1² / n2² स्क्वायर स्क्वायर सब उड़ा दीजिए, आपको मिल जाएगा n1/n2 = 3/4। इसका मतलब क्या, हाँ इसका मतलब बहुत ही साफ है और वो ये है कि n1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 और n2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। देख लीजिए n1 3 n2 4। अगर आपने सिर्फ यही लिख के छोड़ दिया तो आपके आंसर सही होने के मैक्सिमम चांसेस है, 80% चांसेस हैं, लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि नहीं सिर्फ और सिर्फ यही आंसर आएगा तो आपका गेम हो जाएगा। हाँ मैक्सिमम केस एकदम ट्रू है ये, लेकिन इसके और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आपको कोई वैल्यू रेशियो में मिलती है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आंसर हमेशा यही होगा, इसके और भी आंसर हो सकते हैं। देखिए कैसे, n1 की वैल्यू अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना बन जाएगा 2 3 6 और ये बन जाएगा 2 4 8, तो ये हो जाएगा 6 और n2 = 8। आप अगर ये वैल्यू भी ले तो भी सही होगा। इसी तरह से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3 × 3 कितना होगा 9 और n2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12। अब आपके माइंड में आ रहा है सर जरूरी है लाइन से ले, बिल्कुल नहीं। अगर आप 5 ले तो n1 की वैल्यू 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 और n2 की वैल्यू 4 × 5 यानी कि 20। तो बहुत सारे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कोई एक ही ऑप्शन सही के लिए दिया गया है यानी कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको लेके आगे बढ़ेंगे। हाँ आप लेके इसको ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई कह दे कि क्या हमेशा n1 की 3 और n2 की वैल्यू 4 ही आएगी तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, इसके अनलिमिटेड वैल्यूज आ सकती है। जितनी बार आप यहाँ पे नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें उसको बदल देंगे आपको हर बार n1 n2 की वैल्यू नई मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये n1 और n2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n1 ratio n2। ये n1 और n2 के रेशियो की वैल्यू है 3/4, न कि n1 और n2 की। बट हमारा कैलकुलेशन हम इसी बेस पे करेंगे, यानी कि जो प्राइमरी मेरा रिजल्ट आएगा हम उसी को फॉलो करेंगे, कर सकते हैं। चलिए मुझे क्या करना था क्वेश्चन में, मुझे डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। तो देखिए n1 की वैल्यू कितना है 3, n2 की वैल्यू कितना लेंगे हम 4, तो लिख लेते हैं क्या हो जाएगा e4 - e3। अब देखिए e4 के लिए मैं फॉर्मूला का लिखने चलूँ तो देखिए मैं क्या लिखूँगा -13.6। फॉर्मूला ये होता है ना z² / n² z² / n, 4 सेल के लिए n4 का स्क्वायर माइनस e3 के लिए लिखे तो फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे -13.6 z² / n² थर्ड सेल के लिए n की वैल्यू 3 यानी कि n3 का स्क्वायर। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व ना किया करें, इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएंगी और आपको कैलकुलेशन जितना हो सके सिंपल रखना है। तो आप पहले ऐसे क्वेश्चन में देखा करें कॉमन क्या है, -13.6 z² दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, पहले हम कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा -13.6 z² ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, ये तो पूरा बाहर चला गया कॉमन में, 1/n4 n4 के मतलब 4, तो ये क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस, यहाँ से ये पूरा कॉमन बाहर चला गया, ये क्या बचा 1/3 का स्क्वायर बोले तो 9। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें -13.6, बताइए जेड की वैल्यू कितने हैं 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू इनका एलसीएम ले लेंगे 16 और 9 का एलसीएम कितना होता है 44, तो आप क्या करेंगे
16 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और ये आएगा 16, आप करके देख लेंगे। ये वैल्यू होगी -13.6, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 9 माइनस 16 की वैल्यू -7/144। देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और 7 × 7 फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 × 6 = 42, 51 सॉरी 91 होता है ना, 7 × 3 = 21 and 4 = 25, 2 × 7 = 7 = 3, 7 × 9 ये हो जाएगा 95.2/144। आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू मेरे हिसाब से 2/3 0.6 के आसपास आनी चाहिए। देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कर ही देता हूँ। दिस इज 95.2/144, दिस इज गोइंग टू बी 0.66। और भी वैल्यू आएंगे लेकिन हमें दो डिजिट तक ही लेना है, तो हम लिख लेंगे 0.66। अब देखिए वैल्यू सारी, ये फॉर्मूला किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू भी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपसे जूल में पूछा जाए तब क्या करेंगे, 0.66 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ से, तो उस तरह से आपको वैल्यू किससे मिल जाएगी, जूल में। आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ऐसे ही करना था। आप एक बार आंसर चेक कर लें तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आएगा आपका आंसर 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर सकते हैं, क्लियर है आपके लिए, ये होमवर्क है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बस आपको इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है, निकाल सकते हैं। हाँ ध्यान रहे, इसमें भी N1 N2 की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन आप जो फर्स्ट N1 N2 के लिए वैल्यू आ रही होगी उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो होमवर्क तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। दिस इज गिवन दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखिएगा, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए N1 की वैल्यू 2 आएगी। हाँ, जब भी हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो N की वैल्यू 2, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो N की वैल्यू 4 होगी। यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें +1 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ सेल मिल जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम आयन इज आर, यानी कि इसे कई ऑप्शन सही हो सकते हैं, इज आर एक भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा, 2, 3 या सबके सब भी सही हो सकते हैं। चलिए ठीक है, इसने ये नहीं बताया है कि कौन से एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जितने भी एक्साइटेड स्टेट है आप सबको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो घबराए नहीं। क्वेश्चन को देखें, पहले हम फॉर्मूला लिख लें, ई की वैल्यू कितनी होती है, -13.6 Z² / N² मुझे किसके लिए करना है, लिथियम आयन के लिए, राइट। यानी कि हर बार मेरा एक्साइटेड स्टेट यानी कि नंबर ऑफ सेल तो बदल जाएगा, एटम वही रहेगा, यानी कि लिथियम आयन की ही बात करेंगे तो जेड तो मेरा फिक्स हो गया, कितना 3। तो देखिए हम पहले इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू -13.6 × Z की जगह पर 3 के स्क्वायर है, जेड के स्क्वायर, यानी कि 3 के स्क्वायर कितना 9/N², इसको आप सॉल्व करें तो 13 9 जा कितना होता है 117 and 5, आई थिंक मेरे हिसाब से ये आएगा 122.4/N², आप भी एक बार चाहें तो इसको वेरीफाई करके देख लीजिएगा। हाँ मेरे हिसाब से इतना आएगा, सही है। अब ये तो मैंने एक जनरल टर्म बना लिया, मुझे अब कैलकुलेट करना किसके लिए, एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रहे क्वेश्चन में इसने ये नहीं कहा है कौन से एक्साइटेड स्टेट, यानी कि आपको कई सारे एक्साइटेड स्टेट को चेक करना पड़ सकता है। तो बताइए पहला एक्साइटेड स्टेट, हम यहाँ लिख लेते हैं कॉलम एक्साइटेड स्टेट का, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ सेल का। बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, ऐसे मुझे चेक करना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए नंबर ऑफ सेल 2, सेकेंड के लिए 3, थर्ड के लिए 4, इसी तरह फोर्थ के लिए 5th, फिफ्थ के लिए 6th और 6th के लिए 7th, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो सर ऐसे तो इन्फिनिटी होते हैं, इन्फिनिटी तक चेक करेंगे क्या हम, नहीं, हम एक वैल्यूज को लगातार चेक करते जाएंगे और ऑप्शंस में देखते रहेंगे उसकी जो वैल्यूज है, अगर मुझे उससे बड़ी वैल्यू मिल गई तो मुझे उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि
ये मेरा क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ तक चेक करना है। आप ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, -3.4, -30.6 या -13.6? हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, यानी कि मुझे कैलकुलेशन तब तक करती रहनी है जब तक मैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास या उससे ज़्यादा ना पहुंच जाऊं। अगर मेरी कोई वैल्यू इससे एक्सीड कर गई तो बस उसके बाद मैं रोक दूंगा और जितने ऑप्शन सही रहेंगे उसको टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, यानी कि ये मुझे बताएगा कि मुझे कैलकुलेशन कहाँ रोकना है। बात ध्यान है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, वो दिखाएगा जो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो आपको वहाँ से लिमिटिंग देखना है कि हमें कहाँ पर रुक जाना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एन स्क्वायर के लिए, राइट। तो देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मैं बात करूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और उसके लिए मैं E2 कैलकुलेट करूं, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो मैं E2 कैलकुलेट करूंगा, तो बताओ ये कितना होगा, -122.4 अपॉन, हाँ आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला तो -13.6 वाला है, इसी को तो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि z की वैल्यू फिक्स थी तो मैंने इसको सिंपल बना दिया ऐसे ही। अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर इस फॉर्मूले में भी रख रख के सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या होगा, एक दो ये दो लाइन बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैंने इस दो लाइन को सॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट मैं एन की वैल्यू बदलते जाऊंगा और मुझे अपना आंसर मिलता जाएगा। तो आप सीख लें, आदत डाल लें, ये ज़्यादा आसान होगा। अब तो ये कितना है, 2, फॉर्मूला क्या है एन स्क्वायर, ना पहले हम ई एन का फॉर्मूला लिख लें यहाँ पर एन स्क्वायर, तो बताइए ई टू के लिए मैं क्या करूँगा, -122.4 अपॉन 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इसको डिवाइड करें, देखिए 4 3 12, 0 एंड 6, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, हाँ, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपने यहीं छोड़ के आगे बढ़ गया तो आपका गेम हो जाएगा, आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं और तब तक चेक करने हैं जब तक आपकी वैल्यू 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के ऊपर ना चला जाए। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट भी चेक करेंगे। अब मैं किसके लिए चेक करने जा रहा हूँ, हाँ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बताइए सेकेंड एक्साइटेड के लिए अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू 3 आएगी और मुझे E3 कैलकुलेट करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -122.4 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, इसको डिवाइड करें देखिए कितना आएगा, -9 1 9, 3, हाँ 27 5 54 6, यानी ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करिए, ये ऑप्शन दिया है, हाँ ये देखिए ये ऑप्शन भी सही है, मुझे दो ऑप्शन मिल गए, दोनों सही हैं। अभी भी मुझे चेक करना है, आगे रुकना नहीं है। चलिए अब मैं किसके लिए चेक करूँगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बताइए थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 4, और मुझे यहाँ से क्या कैलकुलेट करना होगा, E4 के लिए मैं क्या लिखूँगा, -122.4 अपॉन n की वैल्यू 4, n स्क्वायर की वैल्यू 4 स्क्वायर यानी कि 16, आप इसको भी डिवाइड कर दें तो हो जाएगा -16 8 जा कितना होता है 128, बड़ा हो जाएगा ना, तो 16 7 जा 112, तो यहाँ से 10 बचेगा, फिर 10 104, 16 6 जा 96, फिर 8, ये आएगा 7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे कि सर ये दो ऑप्शन सही हैं बाकी सही नहीं है। हमने आपको पहले क्लियर किया, आपको देखना होगा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -3.4, तो आप इसको तब तक बढ़ा के चेक करते रहेंगे जब तक आप 3.4 वाली वैल्यू को एक्सीड ना कर जाएं, यानी कि अब आपको नेक्स्ट फिर चेक करना होगा। चलिए करते हैं, इस बार फोर्थ के लिए चेक करेंगे तो एन की वैल्यू 5 होगी, ये वैल्यू 5 होगी और यहाँ पे 5 के स्क्वायर यानी कि 25 आएगा, डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100, 224, 25 8 जा 200, 24 यानी 240, फिर से 9 टाइम्स 225 और 6 टाइम्स, लगभग इतना आएगा, -4.896 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन देखे नहीं है, फिर भी नहीं हार मानेंगे, अभी आपको -3.4 के आसपास जाना है या उससे एक्स्ट्रा हो जाना है तब जाके आप रुक जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चेक करेंगे, अब हम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि n = 6
और मैं E6 कैलकुलेट करूंगा। तो बताइए E6 कैलकुलेट करने के लिए 6 के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा और 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। आप इसको डिवाइड करें तो देखिए कितना आएगा, 36 3 जब 108 होता है ना, हाँ तो माइनस 3 108 माइनस करें तो कितना बचेगा 144 फोर टाइम्स, ये आ गया माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके सारे ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं। हाँ अगर ये ऑप्शन मैच नहीं करता तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो दो ऑप्शन सही थे इन्हीं को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया मेरी बात, कर सकते हैं, चलिए आंसर मैच कर लें। देखिए आंसर ऑल ऑफ दीज, ये चैलेंज क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा सा ये अलग है, आपको देखना है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, या दोनों सही है, तीन सही है, या चारों सही है। इसलिए यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है, इज और आर लगा हुआ है, ये सब हीलियम आयन के लिए करना है। तो आप पहले ही जेड की वैल्यू 2 रख के आप एक नॉर्मल जनरल टर्म बना लीजिएगा, ताकि सिर्फ एन की वैल्यू बदलते रहें आप और आप अपनी वैल्यूज को चेक करते रहें। कर सकते हैं तो आप ट्राई करेंगे, अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे पहले इसको डिस्कस कर ले फिर इसके आगे कंटिन्यू करें। हाँ अभी जाइए नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज पी। चलिए मुझे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पहला क्या दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी जेड इजक्वल टू 1 के लिए मुझे वैल्यू दिया गया कितना पी। अच्छा मुझे पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूँ तो, या किसी के लिए बात करूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने कैसे निकालना सीखा था, वेरी गुड, 13.6 जेड स्क्वायर के लिए। तो देखिए मुझे अच्छे से पता है कि जेड यहाँ पे 1 होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये वैल्यू मुझे दिया किसके लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आपको एकदम समझना होगा क्योंकि मैं आगे यूज करूँगा, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर कहीं पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे पी लिख सकते हैं, या कहीं अगर पी लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, हाँ एकदम ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है वो, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। तो मुझे पता है ये कौन सी एनर्जी निकालनी होगी, हाँ सेकेंड से थर्ड जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा ई से, कहाँ जा रहा है थर्ड में, कहाँ से, सेकेंड से, तो बस E3 का फॉर्मूला बोलिए, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N3 का स्क्वायर माइनस E2 के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन E2 यानी सेकेंड सेल तो N2 का स्क्वायर। फिर आगे आपको पता ही आपको क्या करना है, पता है ना, हाँ पहला काम कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर तो कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से 1 अपॉन N3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस यहाँ से 1 अपॉन N2 बोले तो सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं देखिए, तो आपको मिलेगा माइनस 13.6 जेड की वैल्यू किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, तो जेड की वैल्यू 1 रख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर एलसीएम लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम 36 आएगा, और आप अगर इसको डिवाइड करें तो 9 से 4 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू माइनस 13.6 कितना होगा, माइनस 13.6 ही रहेगा, इंटू 4 माइनस 9 की वैल्यू
माइनस फाइव अपॉन 36 लिख सकते हैं क्या? अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इस 13.6 के जगह पर p लिख सकता हूँ? हाँ, यही चीज़ मैंने पहले क्लियर किया आपको कि मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ 13.6 के जगह पर p, या मैं p के जगह पर 13.6, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, माइनस इसके जगह पर p इंटू माइनस फाइव अपॉन 36। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, 5 इंटू p, यानी कि 5p अपॉन 36, ये आएगा आंसर। आंसर चेक कर लें, इसमें ऑप्शन है ना, हाँ ये देखिए, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइट कट गई। आप इसका सॉल्यूशन ये रहा, आप चेक कर लेंगे, या फिर चलिए एक बार ट्राई करते हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपको वेट करना होगा, तो आप वेट कर ले थोड़ी देर। यस, सो देखिए लास्ट क्लास क्वेश्चन डिस्कस हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले आपको जो PDF मिला होगा उसमें आप करेक्शन करेंगे, ये सारे ऑप्शंस में माइनस लगे रहेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। क्या दिया है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बेरिलियम 3+ आयन, ठीक है, बेरिलियम 3+ आयन, यानी कि इसके लिए मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करना है। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कर लेंगे ना, तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है इन केमिस्ट्री टर्म्स, इट इज kZe² / r² अब मैं अगर एनर्जी की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस kZe² / r होता है। तो बस इसी को फॉर्मूला लगा लीजिए, इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ याद रखनी है, E, ये जो k है ना, k क्या, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, जिसको हम वैल्यू अगर लिखे तो कितना लिखते हैं, 1/4πε₀। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको यूज करनी है, बाकी तो आपको बताइए फॉर्मूला क्या है, E = -kZe² / r। बताइए माइनस को तो माइनस लिखेंगे, k को हम क्या लिखेंगे, 1/4πε₀, सब नीचे आ जाएगा, इंटू जेड, बेरिलियम 3+ के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4, E² ऐसे ही रहने दें, अपॉन r। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है ना, देखिए ये फोर कैंसिल, क्या बचेगा आपको, माइनस ऑफ E² / πε₀ r, ये बचेगा ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, माइनस ऑफ E² / πε₀ r, ये है आपका ऑप्शन सही, बस हो गया, आसान था। चलिए इसके नीचे होमवर्क है, ये होमवर्क आप अगला क्वेश्चन जब हम करा देंगे इसके बाद आप ट्राई करेंगे। ये देखिए इसमें माइनस छूटा है, यहाँ माइनस ऐड कर लेंगे, साथ साथ हमें लगता है ऊपर भी माइनस छूटा होगा यहाँ पर, तो ये जो माइनस यहाँ, ये तो चल नहीं रहा है, आप देख लेंगे यहाँ, ये फॉर्मूले में भी माइनस रहेगा, ये जो टर्म है इसके आगे, यहाँ पर इक्वल लगा के यहाँ माइनस कर लेंगे, सब जगह माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, ये करेक्शन कर लेंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये होमवर्क है, इस होमवर्क को करने के लिए आपको अगला क्वेश्चन पहले समझना होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले आपको समझा देंगे, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क स्पेस यहाँ ज़्यादा था तो हमने यही लिख दिया है, आइए क्वेश्चन देखते हैं जो हमें ट्राई करना है, दैट इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड फ्रॉम द ट्रांजिशन n=4 to n=1। मान लेते हैं ये n=4 सेल है एंड दिस इज n=1, बीच में भी सेकेंड थर्ड होंगी, मैंने सबको इग्नोर किया है क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके फर्स्ट सेल में आए तो बताइए क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, जाहिर सी बात है रिलीज होगी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में जाता है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। वो जब
रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो उसी कुछ ना कुछ लैम्डा होगी यानी कि वेवलेंथ होगा और कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसको हम न्यू कहते हैं, होगी ना। मुझे यही कैलकुलेट करना है। वो क्या कह रहा है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में जंप करता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हुई। अब क्योंकि आपको ये आने वाली जो रेडिएशन निकल रही है उसकी एनर्जी मालूम है तो आप उसकी लैम्डा और न्यू की वैल्यू बताइए हमें, तो ये तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे इसकी एनर्जी चाहिए होगी, राइट। तो इसकी एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी? हाँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज किया होगा वही इस रेडिएशन की एनर्जी होगी, होगी ना। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए वो वैल्यू किसकी कॉल होती है? डेल्टा ई के, राइट। और ये वैल्यू हम कैसे लेंगे? हाँ, जब भी हम रेडिएशन की एनर्जी की बात करते हैं वो वैल्यू हमेशा कैसे लेते हैं हम? पॉजिटिव। तो हम लेंगे मॉड वैल्यू, इसको हम क्या ले लें? देखिए कहाँ जाना उसको? E1 पर। कहाँ से? E4 से। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से करिए। तो देखिए E1 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर ब्रैकेट माइनस E4 के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन फोर्थ सेल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? गुड, N4 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। जो आपने कॉमन किया है, सॉरी अभी तो कॉमन करना है ना, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? गुड, -13.6 जेड स्क्वायर कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस, यहाँ बचेगा 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलेगा मुझे? -13.6। अब जेड के लिए मुझे देखना होगा किस एटम या आयन की बात हो रही है। फॉर हीलियम प्लस आयन है, राइट, यानी कि मुझे जेड की वैल्यू पता है कितनी? 2। सो इनटू जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/1 की वैल्यू 1/1 ही रहने दें, -1/16 है, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए -13.6 इंटू 4, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 आएगा, डिवाइड करेंगे 16 माइनस ये 1 बचेगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी? -13.6 का 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहीं पे, या रहने देते क्योंकि अभी कैंसिल हो जाएगा ना, तो रहने दीजिए। -13.6 इंटू 4 इंटू, इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा? 15/16। देखिए मैंने क्यों रहने दिया, क्योंकि मुझे पता था 4 और 16 एक दूसरे से डिविजिबल हो जाएंगे, तो करिए 4 टाइम्स में, फिर इससे भी इसको डिवाइड करिए, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 3 12 एंड 4 4 16, यानी कि वैल्यू आपको क्या मिल गई? -3.4 इंटू 15, इसको भी सॉल्व कर दे, 15 4 60, 15 3 45 एंड 6 51, यानी कि वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? -51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ध्यान रहे एनर्जी किसमें मिली? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मुझे ये बताइए जो वेवलेंथ आती है या कोई भी किसी भी वेवलेंथ की जो लाइट आ रही होती है, हमने इससे पहले काफ़ी बारे में इसके बारे में डिस्कशन किया है, कभी भी मेरी एनर्जी नेगेटिव थी? नहीं थी ना। यहाँ जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, मैंने पहले ही क्लियर किया था एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है बस ये बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जंप कर रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है, बाकी और कुछ नहीं। तो हमें एनर्जी इस आने वाली वेव रेडिएशन की एनर्जी कितना लिखेंगे? 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न कि माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। अब मुझे पता है फॉर्मूला, बताइए इक्वल टू क्या होता है? HC/λ। E की वैल्यू 51, SC की वैल्यू मैंने ले लिया 1240, यानी लैम्डा की वैल्यू किस में आएगी? नैनोमीटर में। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? 51 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1240, फिर आप लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1240 अपॉन 51। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, कर लेते हैं 1240 डिवाइडेड बाई 51, इट इज गोइंग टू बी 24.31। बताइए यूनिट क्या लगेगी? हाँ, नैनोमीटर, क्योंकि मैंने 1240 लिया है, अगर मैं 1400 लेता तो यूनिट क्या आती? एंगस्ट्रॉम। तो ये तो आ गई लैम्डा, मुझे इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना है। तब बताइए क्या आपको लैम्डा
और फ्रीक्वेंसी के बीच कोई फॉर्मूला पता है? हाँ एकदम स्टार्टिंग क्या थी, सेकेंड लेक्चर में ये सीखा था आपने या थर्ड लेक्चर में जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया था, न्यू इज इक्वल टू वेरी गुड सी अपॉन लैम्डा होता है। तो बताइए न्यू निकालने के लिए सी, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये तो मीटर में आया, तो बताइए लैम्डा की वैल्यू मुझे नैनोमीटर में रखना होगा, एंगस्ट्रॉम में या मीटर में? हाँ यूनिट सेम रखना होता है ना, यानी कि ये अगर ऐसा यूनिट है तो इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इसको मीटर में बनाना होगा। तो देखिए 24.31 नैनोमीटर है, तो अगर मैं इसको मीटर बनाऊँ तो बताइए क्या करना होगा, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 24.31 × 10⁻⁹। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए 3 से इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 8.103 और इसको आप ऊपर भेज देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 10⁸ पहले से ऊपर था, ये ऊपर जाएगा तो +9 बनेगा अपॉन नीचे क्या बचा 8.103। आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10⁻⁷ अपॉन 8.103। अब आप एक काम करें 10⁻⁷ को क्या मैं 10 × 10⁻⁶ लिख सकता हूँ? देखिए विजिबल नहीं है ना, आप यहाँ लिख लें 10 × 10⁻⁶। बोले लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, इसके पावर 1 इसके पावर 16 सॉल्व करेंगे 17 के इक्वल आ जाएगा अपॉन 8.103। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 10 को 8.103 से डिवाइड कर दें तो मेरे हिसाब से 1.2 के आसपास आना चाहिए, देख लीजिए 10 divided by 8.103 दैट इज गोइंग टू बी 1.234। तो मैं सिर्फ इसको कितना लिख लेता हूँ 1.23 × देखिए और क्या बचा 10⁻⁶ × 10⁻⁶ और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? गुड हर्ट्ज होती है। तो ये आ गया आंसर आपका, कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो इसको एक और तरीके से कर सकते थे, अगर आपको ये चीज़ माइंड में नहीं आई तो उसे नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं है। एक और फॉर्मूला आपको याद होगा E इक्वल टू एच न्यू, याद है ना, आप यहाँ से भी सॉल्व कर लेंगे लेकिन ध्यान रहे एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। जब आप इसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻³ रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये जो एनर्जी आई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना हो के क्या रहनी चाहिए, जूल में, यानी कि जो 51 आया ना 51 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू अब किस में हो गई, जूल में। ये उनके लिए है जो सोच रहे हैं कि सर ऐसे भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, एनर्जी को आप जूल में बदल लेंगे फिर एच की वैल्यू रखेंगे और न्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से भी करेंगे तो आपको वैल्यू सेम आएगी, कितनी आएगी वही 1.2 × 10⁻⁶ हर्ट्ज ही आएगी, आप करके देख लेंगे उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप दोनों में से कोई एक ही यूज करना, आपको दोनों नहीं यूज करना है, आंसर्स मैच कर लें। आइए एनर्जी ऑफ फोटोन 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा की वैल्यू 24.31 नैनोमीटर और ये रहा आपका वैल्यू 1.2 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, ये है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब कर लेंगे जो होमवर्क मिला था, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है जो मुझे कराना है और इसके बेस पे एक होमवर्क आपको करना होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। ठीक है मुझे क्या दिया है, लिथियम आयन दिया है और सेकेंड ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू 2 दिया है, एक्साइटेड स्टेट नहीं दिया है इसलिए नॉर्मल वैल्यू यूज की जा रही है। मुझे क्या करना है, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना है और रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है अगर मैं पहले रेडियस ही कैलकुलेट करना चाहूँ तो बताइए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, वैल्यू किस में रहेगी, हाँ नैनोमीटर में। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। आप किसी को भी यूज करें आंसर सेम आएगा, इसको यूज करेंगे तो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी, इसको यूज करेंगे तो आपकी वैल्यू किस में आएगी, नैनोमीटर में। तो मैं ऊपर वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है अगर मैं ऊपर वाला यूज करूँ तो बताइए क्या होगा, 0.0529 × n² n की वैल्यू 2 स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन जेड, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इसको सॉल्व करते हैं देखिए कितना आएगा,
ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 9 था ना, सो दिस विल बी 4 9 36, 4 2 8 3 11, 20 21, राइट। ये वैल्यू आएगी 0.2116 अपॉन 3। इसको भी सॉल्व कर दें, ये वैल्यू हो जाएगी 0.0705, और भी आगे आएगा बट इतना बहुत है। दिस विल बी इन नैनोमीटर क्योंकि हमने 0.0529 यूज किया था। अगर आप एंगस्ट्रॉम वाला यूज करते हैं तो आपको जो आंसर आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, वो आंसर आएगा 0.705 एंगस्ट्रॉम। आपको एक चीज़ ऐसे भी याद रखना है कि एक नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है, 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। तो आप इस नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये इसी के इक्वल आ जाएगा। तो आप चाहे जैसे करें आंसर सेम आना है, कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ साथ मुझे एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, क्या, एनर्जी, एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल। तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है, वेरी गुड, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन सेकेंड सेल यानी कि N2 का स्क्वायर। देखिए -13.6 लिथियम है ना, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 9 अपॉन 2 है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आप इसको पहले डिवाइड ही कर लीजिए, देखिए 4 3 12, 4 4 16, वैल्यू आएगी -3.4 इंटू 9। इसको सॉल्व कर दें, 9 4 36, 9 3 27, 30 हो जाएगा -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। अगर आपको इसको जूल में बनाना है आप क्या कर लेंगे, इसी को -30.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -90 लिख के सॉल्व कर देंगे, आपको जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, जूल में। तो वो आप कर लेंगे, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आइए आंसर मैच कर लें हम लोग। देखिए ये वैल्यू आई है उतनी, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जूल में इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब आप करके देख लेंगे खुद से। फिर रेडियस कैलकुलेट किया गया है, बताइए ये फॉर्मूला किसके लिए लगाया गया होगा, 0.0529 है तो ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम देगी या नैनोमीटर, हाँ ये हमें देगा नैनोमीटर। तो देखिए आंसर भी यहाँ पे किस में आया, नैनोमीटर में, कितना आया है, 0.0705, कर सकते हैं। चलिए इसी बेस पे आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो एकदम आपके लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन था, कर लेंगे। ध्यान दें एनर्जी किस में दिया, जूल में, तो आप जो कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे। एक चीज, दूसरी चीज, आपके लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है, दैट इज चैलेंज क्वेश्चन, किधर गया, कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से करेंगे। अगर आपने घबराहट में किया तो आपका गेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन सही हो, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको ट्राई करेंगे, और जो जो ऑप्शन सही होंगे आप उसको कमेंट में, कमेंट बॉक्स आके जरूर करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट थैंक यू सो मच।